मंदिर में पुजारी सहित सात लोगों पर चोरी के आरोप, थाने में दर्ज हुई एफआईआर। एसपी ने कहा, जमीन कब्जाने की साजिश है। शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे के प्राचीन मंदिर के वर्षों पुराने पुजारी सहित सात लोगों को कोलारस पुलिस ने मंदिर में चोरी करने का मामला दर्ज किया है। आज मंदिर के पुजारी सहित अन्य लोगों ने एसपी से शिकायत दर्ज कराई है। कोलारस कस्बे के जगतपुर राय रोड पर प्राचीन कुंडन सरकार हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के महंत सियाराम महाराज थे, जिनकी मृत्यु 3 अगस्त 2022 को हो गई थी। मंदिर की बेशकीमती भूमि भी मंदिर के पास स्थित है। महंत सियाराम महाराज के निधन के बाद से इस मंदिर की भूमि का विवाद चला आ रहा है। इस मंदिर पर सालों से पूजा करने वाले अशोक गोस्वामी का कहना है कि सियाराम महाराज की मृत्यु के बाद मंदिर की जमीन और मंदिर की आमदनी देखकर नीयत खराब हो गई है। 9 अगस्त 2022 को मंदिर के लाखों रुपए और आभूषण पंचनामा बनाकर शंभुदयाल श्रीवास्तव निवासी माधोनगर शिवपुरी के सुपुर्द कर दिया गया था। पुजारी अशोक गोस्वामी का कहना है कि वह वर्षों से पूजा करता हुआ आ रहा है। इसके साथ ही सीताराम महाराज से जुड़े हुए महाराज की सेविका मोना शर्मा, राजकुमार शिव हरे राम देवी गोस्वामी, बालगिर गोस्वामी, सती राम राय और राम सखी राय पर अब चोरी का मामला दर्ज किया गया है। कोलारस थाने में राजनीति से जुड़े लोगों ने ये मामला दर्ज करा दिया है, जबकि मंदिर के आभूषण और राशि पहले से ही मंदिर से जा चुकी है। एसपी से शिकायत लेकर पहुंचे राजकुमार शिवहरे ने बताया कि मंदिर के समिति के सदस्यों के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष याचिका पेश की गई है। उसे परेशान होकर उनके खिलाफ झूठा चोरी का मुकदमा थाना कोलारस में दर्ज कराया गया है। क्या नाम है महाराज आपका? हमारा नाम राजकुमार शिवहरे। कहाँ से आए हो? कोलारस से। आप एक आवेदन लेके आए हो चोरी का, क्या मामला है वो? उन्होंने टीआई सामने मेरे ऊपर चोरी का मुकदमा कायम किया। कौन टीआई सामने किया? टीआई जाट साहब ने। कहाँ के टीआई हैं? क्या चोरी का मामला दर्ज किया? मंदिर की चोरी का मामला दर्ज किया। कैसे क्या मंदिर में क्या चोरी हुई? सुबह जो शिवपुरी वाले हैं, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि मंदिर से चोरी की है इन्होंने। जबकि आज के 2 साल पहले अजय कुशवाहा स्वयं, हमारे पास प्रमाण है, पंचनामा में दस्तखत है उनके, कि उन्होंने शंभुदयाल श्रीवास्तव के यहाँ सब सामान रखा गया। मेरे पास ऑडियो है, वीडियो है, कमरे के ताला खुलने की सब वीडियो, उसमें अजय कुशवाहा स्वयं है, मौजूद है, जिसके बाद पुलिस है, जिसके बाद हमारे आज चोरी का मुकदमा कायम हो गया है। अच्छा, आपके अलावा कितने लोगों को चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ? 7 लोगों। 3 और कितनी कितनी चोरी की आप पे दर्ज हुई है? दर्ज कराई है 15,000 चिल्लड़ और एक चांदी का हार। अच्छा, तो कितना समय पुराना मामला है ये? अभी इन्होंने 5 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई है, किसी 5-8 को। तो आपने इसके लिए शिकायत दर्ज नहीं कराई? मैंने शिकायत तो मैं स्वयं टीआई से मिला, टीआई साहब ने कहा कि एसडीओ साहब से मिलिए, एसपी साहब से मिलिए। अच्छा, अभी आप मिल लिए सर? मैं एसडीओपी साहब के यहाँ कल गया था तो मुलाकात नहीं हुई, आवेदन देके आया। अभी मैं एसपी साहब के यहाँ आया, 11 बजे से खड़ा हूँ साहब, यहाँ जानकारी मिली है कि हो सकता आए या ना आए, आज शनिवार है। अगर मान लो आपकी सुनवाई नहीं हुई, फिर आप क्या करेंगे आगे? मैं आईजी के जाऊँगा, हाईकोर्ट जाऊँगा, मुख्यमंत्री निवास भी जाऊँगा। ठीक है।